जय माता दी दोस्तों। दोस्तों मैं हूं इस टाइम पे इटखोरी झारखंड में और ये है इटखोरी के माँ भद्रकाली का मंदिर। तो आइए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि ये मंदिर कहाँ है, आप यहाँ कैसे आ सकते हैं और कौन कौन सी जगह है यहाँ के घूमने के बारे में। दोस्तों माँ भद्रकाली का मंदिर झारखंड के चतरा जिले के इटखोरी शहर में है और चतरा सिटी से इसकी दूरी लगभग 30 किलोमीटर है। वहीं राज्य की राजधानी रांची से इसकी दूरी लगभग 130 किलोमीटर दूर है और हजारीबाग से इसकी दूरी लगभग 50 किलोमीटर दूर है। मैं अगर अपनी बात करें दोस्तों तो मैं भी हजारीबाग से इटखोरी के लिए निकल रहा हूँ, वो भी बाइक से, और झारखंड के खूबसूरत जंगलों और रास्तों से होते हुए फाइनली दोस्तों मैं पहुंच जाता हूं माँ भद्रकाली मंदिर इटखोरी में। तो दोस्तों मंदिर के सामने ही एक प्रसाद की दुकान है भैया की, तो हम यहाँ पास अभी प्रसाद ले रहे हैं माता जी के लिए और फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए भैया चलिए। तो दोस्तों ये है मंदिर का मुख्य गेट, आइए अब हम अंदर प्रवेश करते हैं। यहाँ से ये देख सकते हैं, तो यहाँ पास भैया आए तो उनसे माला भी हम ले लेते हैं। कैसे देते भैया माला? 30 रुपये का एक। कुछ और कम पे नहीं देंगे यार? क्या है जी, एक ही रेट है 30 रुपये का फिक्स। चलिए ठीक है, एक दे दीजिए। तो दोस्तों हमने एक माला ले लिया है ये और भैया से। तो दोस्तों माला लेने के बाद अब हम बढ़ चुके हैं आगे की ओर, मेरे साथ में जितेंद्र जी और वर्गीस जी, तो तीनों लोग आए हैं आज यहीं दर्शन के लिए माता जी के। तो ये देख सकते हैं आप कुछ इस तरह से मंदिर है, एक यहाँ पास है कुछ, और सामने हम बढ़ चल रहे हैं, ये कुछ इसका परिसर ऐसा, और यहाँ पास ये ऐसे बना हुआ है पांव धुलने के लिए कुछ इस तरह से मंदिर में। फिर अब हम बढ़ चलते हैं आगे की ओर। ये है दोस्तों मेन मंदिर, वहाँ भद्रकाली देख सकते हैं, ये है पूरा परिसर, ये कुछ इस तरह से, सामने पानी की टंकी है और ये पूरा जगह है इसकी। तो दोस्तों ये है मेन मंदिर, यहाँ वीडियो वगैरह फोटोग्राफी प्रतिबंधित है, ये इसका नोटिस बोर्ड लगा हुआ है, तो यहाँ का वीडियो नहीं बना पाएंगे। फिर आगे कुछ फ़ोटो होंगी तो मैं आपको इस चैनल पे दिखाने का प्रयास करूँगा, बाकी यह परिसर। तो अभी मैं जाता हूँ माता रानी के दर्शन करके आता हूँ, इसके बाद आके बाकी कुछ देखते हैं यहाँ का। दोस्तों माता रानी के दर्शन के बाद अब हम आ चुके हैं बाहर यहाँ से, और यहाँ साइड नारियल तोड़ते हैं, तो आइए यहाँ साइड हम नारियल तोड़ेंगे। और ये है पूरा हवन की कुंड, तो यहाँ हवन करते हैं लोग बाग। ये मंदिर का दोस्तों दाएं साइड का हिस्सा है ऐसे, और यहाँ साइड ऐसे नारियल तोड़ते हैं, तो आइए यहाँ तरफ चलते हैं। दोस्तों अब आगे की तरफ चलते हैं, यहाँ पास पंडित जी हैं जो कि चंदन लगाते हैं, तो आइए पहले चंदन लगवाते हैं फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। चंदन लगा लीजिए,
दोस्तों यहाँ से हमने चंदन लगवाए हैं पंडित जी से, अब आगे की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों आइए अब यहाँ चलते हैं, बजरंगबली के मंदिर है यहाँ पास, तो आइए बजरंगबली के दर्शन करते हैं पंचमुखी के, फिर अंदर की तरफ बढ़ते हैं। जय हो बजरंगबली की, जय बजरंगबली स्वामी जी। तो मित्रों अब हम आ चुके हैं बजरंगबली के यहाँ दर्शन करने, तो यहाँ से हम बजरंगबली के दर्शन के बाद अब बाहर निकल आते हैं। और ये है शनि देव का मंदिर, आइए चलते हैं शनि देव के भी दर्शन करते हैं। जय हो शनि देव की। जय शनि देव की। ये दोस्तों शनि देव का मंदिर है, आइए यहाँ चलते हैं दर्शन करते हैं। आइए दोस्तों अब यहाँ आगे की तरफ चलते हैं, यहाँ भी कई सारे छोटे छोटे मंदिर हैं, वहाँ भी आइए घूमते हैं। ये देखिए यहाँ पास भगवान शिव का मंदिर है ये, तो आइए चलते हैं भगवान शिव के दर्शन करते हैं। सामने ही देख सकते हैं यहाँ पास नंदी बाबा विराजमान हैं, और ये है पूरा शिव मंदिर, ये भी बहुत बड़ा मंदिर है दोस्तों, आप ये देख सकते हैं। तो दोस्तों आइए अब चलते हैं भगवान शिव के अंदर और दर्शन करते हैं भगवान शिव के मंदिर में। तो ये मैं प्रवेश कर रहा हूँ अब यहाँ से। जय हो शिव शंभू। आइए यहाँ से प्रवेश करते हैं। ये दोस्तों भगवान शिव, अब हम आ चुके हैं दोस्तों यहाँ, जय जी विराजमान है, और ये बड़ा सा शिवलिंग ये आप देख सकते हैं, ऐसी आकृति का शिवलिंग मैं पहली बार देख रहा हूँ। तो दोस्तों मंदिर के शिवलिंग के बारे में हम पंडित जी से थोड़ा सा कुछ जानने का प्रयास करेंगे। पंडित जी प्रणाम। मंदिर के शिवलिंग के बारे में कुछ बताएं संक्षिप्त जानकारी। एक सहस्त्र शिवलिंग महादेव है जी, एक ही शिवलिंग में 1008 शिवलिंग विराजमान है। कई शिवलिंग है इसमें 1008 शिवलिंग है, एक ही शिवलिंग में 1008 शिवलिंग विराजमान है। एक लोटा जल चढ़ाने के दौरान 1008 शिवलिंग पे जल चढ़ाने का फल प्राप्ति एक साथ होता है, इस मंदिर में मिल जाता है जी हाँ, क्योंकि एक ही शिवलिंग में सहस्त्र है, सहस्त्र के मतलब हजार होता है। हजार, धन्यवाद दोस्तों। ये जो शिवलिंग है इस मंदिर के यहाँ पास 1008 शिवलिंग है, तो आप इकट्ठा ही जल चलाने का सौभाग्य आप इस मंदिर पे आकर प्राप्त कर सकते हैं। जय हो। तो दोस्तों भगवान शिव के दर्शन के बाद अब हम मंदिर से बाहर निकलते हैं, आइए। और ये अब हम निकल चुके हैं बाहर, यहाँ पास नंदी बाबा के दर्शन करते हैं। तो आइए चलते हैं श्री राम जानकी एवं विश्वकर्मा मंदिर, इस साइड है, तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं श्री राम जानकी सह विश्वकर्मा मंदिर में, ये है भगवान विश्वकर्मा और राम जानकी मंदिर, तो आइए प्रवेश करते हैं इस मंदिर में अब। तो प्रवेश करते हैं। जय श्री राम पंडित जी। जय श्री राम। आइए अब प्रवेश करते हैं। ये आप देख सकते हैं पहले ही श्री गणेश भगवान जी की छोटी सी प्रतिमा विराजमान है, और मंदिर के बाएं साइड श्री राम दरबार की झांकी, जिसमें श्री रामचंद्र भगवान, जानकी मैया, लक्ष्मण कुमार और पवन सुत हनुमान की खूबसूरत झांकी दोस्तों विराजमान है। जय हो सिया भगवान जी भगवान की।
और मंदिर के दाहिने साइड पहले बीच में फिर से बजरंगबली जी विराजमान हैं और मंदिर के दाहिने साइड में श्री विश्वकर्मा भगवान विराजमान हैं। जय हो विश्वकर्मा जी। तो ऐसी खूबसूरत सी झांकी दोस्तों यहाँ पास विद्यमान है। तो आइए हम दर्शन करके मंदिर के बाहर की ओर निकलते हैं। विश्वकर्मा भगवान की दर्शन के बाद अब हम आ चुके हैं मंदिर के ऐसे बाहर की तरफ। तो बस दोस्तों यही था एक छोटा सा वीडियो माँ भद्रकाली मंदिर इटखोरी के बारे में। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं दोस्तों फिर एक नई जगह के साथ एक नए वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।